तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ट्रांसपोर्ट गुरुजी में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा चैनल ट्रांसपोर्ट गुरुजी यूट्यूब पर लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस चैनल है, जहां पे मैं आपको हमेशा कुछ नई बातें बताता हूं। दोस्तों आज हमारे साथ है राम प्रकाश जी, जिनका कि दिल्ली के अंदर ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है। किस तरह का ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है, किस तरह से बिजनेसेस करते हैं, कैसा एक्सपीरियंस रहा है आज तक का, सब कुछ हम बात करेंगे सर के साथ। तो चलिए बात करते हैं सर से और जानते हैं इनके अपने ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री के बिजनेस लाइफ के बारे में कि इन्होंने आज तक इस इंडस्ट्री को किस तरह से देखा है और अपने बिजनेसेस को किस तरह से चलाया है। तो नमस्कार सर, आपका हमारे चैनल पे। नमस्कार सर, एक चीज़ बताइए, कितने साल से आप इस इंडस्ट्री में? 3-4 साल हुए हमें, ज़्यादा दिन नहीं हुए, 3-4 साल ही हुए। अच्छा, तो ये जो गाड़ियाँ जो मैं भी देखा हूँ बाहर, जो जितनी भी ये गाड़ियाँ देख मैंने देखा है, ये सब ये 3-4 साल में सब बनाया हुआ बिजनेस? हाँ, 3-4 साल में ही हमने बनाया। अच्छा, एक चीज़ मैं बहुत यूनिक देखा और मार्केट में मुझे देखने के लिए बहुत कम मिलता है और एक्सपर्टीज चाहिए इस तरह के बिजनेसेस को करने के लिए। आपने महिंद्रा के महिंद्रा बोलेरो मैक्सी ट्रक जो होता है उसका आपने रेफ्रिजरेशन ट्रक में कन्वर्ट किया है और अपने आप में ये बिजनेस जो है इंडिया के अंदर बहुत कम है, फिर भी आपने इस तरह का रिस्क लिया, क्या आपका एक्सपीरियंस क्या रहा था कि आपने इस तरह का ट्रक बना करके बिजनेस करने के लिए सोचा? वैसे नॉर्मल ट्रक तो बहुत सारे लोग के पास है, बहुत सारे हैं, लेकिन ये एक नई चीज थी, तो हमें भी किसी ने सलाह दिया कि ये काम करो, ये काम बढ़िया है। ओके। तो हमने सोचा कि चलो एक बार आजमा के देखते हैं, तो हमने स्टार्ट किया। ठीक है, हम 3 पार्टनर मिलकर इसको स्टार्ट किए थे, लेकिन किसी वजह से जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गए, तो सब अपने अपने अलग अलग कर रहे हैं और ऊपर वाले का आशीर्वाद है, विश्वकर्म बाबा की कृपा है, जो 3-4 साल में हमने जो 5 गाड़ी कर दी है। अच्छा, 5 गाड़ी है, 4 गाड़ी तो अभी खड़ाई गाड़ी कम तो कहीं और मार्केट में है। हाँ, एक अभी और मार्केट में। संडे जैसे दिन में मैं देखा हूँ दोस्तों, संडे है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। जनरली संडे के दिन में भी लोगों को बिजनेस नहीं मिल पाता है और सर का मैं देखा हूँ बिजनेस के, अभी जब मैं आया हूँ तो इनके एक ट्रक यहाँ पे खड़ा था इनका गाड़ी, और 4 ट्रक इनका मार्केट में था, फिर तीन जो ट्रक है फिर बाद में लौट करके आए, जहाँ जहाँ भी इन्होंने भेजा था वहाँ से फिर लौट करके आए बाद में, उसके बाद में ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया हूँ। तो सर एक चीज़ बताइए, ये जो ट्रक्स है आपका रेफ्रिजरेटर वाला जो ट्रक है, जनरली जो मैक्सी ट्रक जो होता है उसको लेने में कितना तक खर्चा आ जाता है? देखिए जी, इसका गाड़ी का जो कीमत तो जो है 8.8 लाख रुपए है, ये तो सबको पता है, लेकिन इसके जो रेफ्रिजरेटर डब्बे और फ्रिज जो है ये लगाने में जो 5 लाख रुपए का नेट खर्चा आता है, इसके 5 लाख रुपए का खर्चा जो है इसका कैश में ये बॉडी बनाने में इसका लगता है, और ये इतना आसान नहीं होता है। किस्त पे तो हर कोई गाड़ी ले सकता है, खरीद सकता है, लेकिन ये कैश 5 लाख रुपए खरीदने के बाद इसमें लगाना बहुत कठिन होती है। अच्छा, मैं आपसे ही जानना चाहता हूँ कि आपका जो ट्रांसपोर्ट है ये किस एरिया में, किस नाम से है? ये ओखला इंडस्ट्री एरिया फेस 1 में है ये, और ये श्रीराम लॉजिस्टिक के नाम से, श्रीराम लॉजिस्टिक, जिसमें कि 5 जो है इस तरह के ट्रक से। हाँ हाँ, ठीक है। आज के डेट में सर आप जो ये बिजनेस में जो सर्विसेज होता है जनरली ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में कहाँ कहाँ के लिए आप देते हैं? ये दिल्ली NCR में तो बिल्कुल है ही है, और दिल्ली से बाहर जैसे चंडीगढ़ हो गया, चंडीगढ़ क्या पूरा पंजाब ले लीजिए, पंजाब किसी भी कोने में, ठीक है, और यूपी में आधे यूपी तक जो है हमारी सर्विस जाती है, ठीक है, और राजस्थान में जयपुर अलवर जो नजदीक के हैं, मतलब 350 किलोमीटर के, हाँ, वहाँ तक जाती है, और बाकी इसके आगे जहाँ जहाँ तक CNG अवेलेबल होता है, क्योंकि ये गाड़ियाँ जो CNG पे है, इसमें जो पेट्रोल डीजल कुछ नहीं है, ठीक है, तो जहाँ जहाँ CNG अवेलेबल होती है वहाँ वहाँ हर जगह, मतलब ये जो गाड़ियाँ CNG पे रेफ्रिजरेटर ट्रक चला रहे हैं। हाँ हाँ, रेफ्रिजरेटर बिजनेस में सर एक जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है और जो भी कस्टमर्स होते हैं उनके साथ भी आपका बात इस पे हुआ ही होगा, और क्योंकि मैं भी रेफ्रिजरेटर ट्रक का बिजनेस किया हूँ पहले, तो थोड़ा सा आइडिया मुझे भी है इसके बारे में, थोड़ा सा मैं आपसे भी जानना चाहता हूँ, सबसे बड़ा कंसर्न होता है टेम्परेचर को लेकर के। हाँ, सबसे बड़ी चीज होती है, इसको कैसे मेंटेन करके रख सकते हैं आप? ये प्रोडक्ट के ऊपर होता है कि मतलब कौन सा प्रोडक्ट है इसके अंदर, ये जानकारी हम उनसे पहले लेते हैं। अच्छा, कि आपका प्रोडक्ट क्या है, जो प्रोडक्ट होता है उस हिसाब से उसको हम टेम्परेचर रखते हैं, ये चीज की जानकारी हमें भी होती है, कौन से प्रोडक्ट में कितना टेम्परेचर चाहिए होता है, और आगे से जिनका माल होता है पार्टी वो भी हमें बताते हैं कि हमारा माल का टेम्परेचर ये होना चाहिए, ठीक है, तो उसी हिसाब से हम इसको चलाते हैं। और कई बार ये होता है दिक्कत कि माल में टेम्परेचर नहीं है, और वहाँ जाके हमें टेम्परेचर देना होता है, ऐसे सिचुएशन में जहाँ से हम माल उठाते हैं वहाँ पे उसका हम टेम्परेचर चेक करते हैं, हमारे हर गाड़ी में मीटर लगा, टेम्परेचर वाला जो मीटर होता है चेक करने वाला हम रखते हैं, उससे वो चेक करके फिर हम माल लोड करते हैं। अच्छा,
रेफ्रिजरेटर ट्रक जो मैं आज तक चलवाया था उसमें देखता था सिंगल कैबिनेट होता था पूरे ट्रक के अंदर। हाँ हाँ हाँ। आपका मैं देखा हूँ एक नया चीज कि आपने डबल कैबिनेट बना रखा। हाँ, इसके पीछे रीजन है क्योंकि हमारे कुछ पार्टियां हैं जिनके पास प्लस और माइनस दोनों का माल होता है। अच्छा, तो वो थोड़ा थोड़ा माल होता है तो दो गाड़ी करने में उनको बहुत लोड पड़ता है, तो उन्होंने सलाह दिया कि भाई आप इसी गाड़ी को जो है दो बना सकते हो। अच्छा, हमने बोला ठीक है जी, हम इसमें दरवाजा लगा देते हैं और दो हो जाएंगे, एक तरफ प्लस का माल डालते हैं दूसरी तरफ माइनस का माल डालते हैं। मतलब बिजनेस किस तरह से चलाना है और किस तरह से बढ़ाना, उसके लिए कस्टमाइजेशन आपने पूरा फ्री रखा अपने ट्रक के अंदर। अच्छा, इस इंडस्ट्री में एक ज्यादा प्रॉब्लम आता है जो पायलट्स होते हैं गाड़ियों के, खास करके जिनको की लोग ड्राइवर भी बोलते हैं, अक्सर सुनने के लिए आता है, आप भी अभी तक सुने ही होंगे। मैं आपके जितने भी पायलट से मैं उनसे भी मिला हूँ, बिहेवियर भी मैं देखा हूँ अच्छा है, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है? और इस इंडस्ट्री में तो खास करके जो इस तरह के पायलट्स होते हैं उनके लिए क्या सुझाव है आपका? हमारा सबसे पहले तो जी हम अपना व्यवहार ठीक रखते हैं, अगर हम अपना व्यवहार ठीक रखते हैं तो हमारे आगे जो हमारे सामने पायलट है उसका ड्राइवर वो भी उनका व्यवहार जो अगर गलत भी होता है तो हमारे साथ। अच्छा, तो ये मतलब कि अगर आप खुद से रिलेशन अच्छा रख सकते हो। हाँ, तो उससे भी जो है आपका अभी उनको हम जो है होने देते हैं कि ये ड्राइवर है, हम भी ड्राइवर है, हम ये जानते गाड़ी रोड पे चलाते हैं तो क्या दिक्कत आती है, कहाँ पे क्या प्रॉब्लम आता है, वो चीज अगर ड्राइवर हमें बताते हैं तो इस चीज को हमें अनुभव पहले से होता है, जानकारी होता है, मतलब जानकारी होता है वाकई यहाँ पे ये चीज हुआ होगा, तो उसको हम समझते हैं, इसीलिए वो हमारे को भी समझते हैं। अच्छा सर, एक चीज और समझना था मुझे, जनरली जो इस तरह के ट्रक्स वगैरह जब चलते हैं तो बहुत जगह पे ऐसा होता है कि अनलोडिंग पॉइंट पर खास करके वेटिंग टाइम होता है। हाँ। बहुत जगह जिस कस्टमर के साथ आप काम कर रहे हैं उनको मैं भी जानता हूँ, बहुत पहले से जानता हूँ, तो उनका जब हमारा उनके साथ बिजनेस चलता था करीब आज से 4-5-6 साल पहले, तो एक दो लोकेशन सही थे ऐसे थे जहाँ पे कि वेटिंग टाइम ज़्यादा होता था अनलोड करने का। तो चूंकि आपका तो सीएनजी है, वो डीजल था तो वेटिंग टाइम ज़्यादा मैटर नहीं करता था, सीएनजी में ज़्यादा मैटर करता है क्योंकि खपत जो है सीएनजी का ज़्यादा होता है रेफ्रिजरेटर में। तो ऐसा कोई सिचुएशन कभी आपको लगता है कि बना है कि गाड़ियाँ ज़्यादा वेटिंग टाइम ले रहा है अनलोड करने में और उसके चक्कर में मटेरियल खराब होने का डर हो? हाँ, ये सिचुएशन अक्सर आती है, कई जगह ऐसे होते हैं कि जाते हैं वहाँ गाड़ी खाली नहीं होती है, 10 घंटे 12 घंटे 8 घंटे गाड़ी होल्ड करना पड़ता है, तो वहाँ पे हमारे ऊपर प्रेशर बन जाता है कि मतलब कैसे करें क्या करें, तो हम लगातार सीएनजी भरवा के लगातार उसको चलाते रहते हैं, पार्टी से बात करते रहते हैं, मतलब तब तक गाड़ी जो है बंद नहीं होता, कंटिन्यू गाड़ी कंटिन्यू चलाते हैं उसको, और पार्टी से भी दबाव बना के रखते हैं कि जल्दी आप खाली करवाइए, जल्दी खाली करवाइए, उनसे भी वो भी प्रयास करते हैं कि फिर भी कई बार हो जाता है कि लीक हो जाता है। अच्छा, तो उसका जो है कुछ चार्ज भी उनको देते हैं, वो ये चीज वो भी समझते हैं कि ऐसा दिक्कत है। सर, दो सवाल और जो है उसके बाद इस वीडियो इंटरव्यू को हम खत्म करेंगे। पहला, ये जो एक्सपीरियंस रहा है आपका 3-4 साल का, ये 5 ट्रक चला करके, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? एक्सपीरियंस तो हमारा बहुत अच्छा रहा, क्योंकि हमारा बिहेव, मैं खुद को अच्छा करता हूँ तो सामने वाले भी हमारे साथ सही व्यवहार करते हैं। ओके। तो हमें दिक्कत नहीं आती। सबसे बड़ा इसमें दिक्कत एक है कि जैसे यहाँ से हम कहीं भेजे, रास्ते में कहीं ब्रेकडाउन हो गया या कुछ हो गया, ऐसी अगर बंद हो गया तो वहाँ 1-2 घंटे के अंदर हमें दूसरी ट्रक वहाँ पे अवेलेबल करना होता है, तो इसके लिए हमने नेट बना रखा है, व्यवहार बना रखा है, तो हम अवेलेबल कर देते हैं, और ये चीज़ हर कोई नहीं कर सकता। क्योंकि दोस्तों पूछने का खास कारण है कि सर के जो बेटे हैं, पंकज नाम है, उन्होंने मेरे से कांटेक्ट किया था ये इंटरव्यू कंडक्ट कराने के लिए अपने फादर के साथ, और उनका भी जो थिंकिंग है इस इंडस्ट्री को लेकर के अच्छा खासा पॉजिटिव है। मैं उनको बुलाया था यहाँ पे लेकिन आ नहीं पाए, नहीं तो उनसे भी मैं आपको ज़रूर मिला था। सर, दूसरा जो क्वेश्चन है, सबसे बड़ा जो लोगों से सुनता ही रहता हूँ, मैं जब से इंटरव्यू कंडक्ट कर रहा हूँ अपने चैनल पे या फिर जब से इस इंडस्ट्री में, लोगों से भी सुनता रहा हूँ, इस इंडस्ट्री का कहना है, लोगों का कहना है कि ये इंडस्ट्री जो है ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा है, तो आपका क्या सोचना है इसके लिए? देखिए जी, सबसे बड़ा चीज़ है इसमें कि बिहेव, जैसा हम बिहेव रखेंगे वैसा होगा, राइट। हाँ, तो हम अपने ऊपर भरोसा रखते हैं कि हम किसी के साथ गलत नहीं करेंगे, ऊपर वाला हमारे साथ गलत नहीं कर सकता है, बस हमें यही भरोसा है, उसी को लेकर के। हाँ, आगे आप चलते हैं, इसी को लेकर हम चलते हैं कि हमें किसी के साथ गलत नहीं करना है, ऊपर वाला मेरे साथ गलत नहीं करेगा। आने वाले सर 5 साल के बाद आप कहाँ देखना चाहते हैं, खुद को कहाँ देखना चाहते हैं?
हम तो बहुत अपने आप को बहुत आगे लेके जाना चाहते हैं, काफी आगे। चलिए मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट है आपके लिए। तो दोस्तों आप देख रहे थे, हमारे साथ थे राम प्रकाश जी, जो कि इसी इंडस्ट्री से 3-4 साल से जुड़े हुए हैं, और इनका जो सबसे बड़ा अच्छा मुझे लगा है वो है ट्रकों का कस्टमाइजेशन करके बिजनेस करना। मैं अपने चैनल पे बहुत बार पहले बताया हूँ कि आप अपने बिजनेस को जितना ज़्यादा कस्टमाइज करते हो उतना ज़्यादा आपके लिए बिजनेस का जो है अपॉर्चुनिटी बनता है। और सर को मैं देखा हूँ आज, और देख करके मुझे समझ में आ गया है कि लोग जो है ऐसा बिजनेस कर रहे हैं और धीरे धीरे सक्सेस भी हो ही रहे हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को मैं आज यहीं पे ख़त्म करता हूँ, मिलता हूँ अपने नए वीडियो में फिर से कुछ नए के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।